हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो फिर मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए रामकृष्ण परमहंस के सत उपदेश, जिनका शीर्षक है साधकों की भिन्नता। साधक दो प्रकार के हैं। एक वे जिनका स्वभाव बंदर के बच्चे के समान होता है। बंदर का बच्चा जब अपनी माँ को कहीं जाते देखता है तो जट तोड़कर उसके पेट से चिपक जाता है। वो जानता है कि जो मैं अपनी माँ को न पकड़ूंगा तो वह मुझे न ले जाएगी। दूसरे वे जिनका स्वभाव बिल्ली के बच्चे के समान होता है। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ पर ही भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि उसकी जहाँ इच्छा होगी वह वहां रखेगी, अतएव वे म्याऊं म्याऊं करते एक ही जगह बैठे रहते हैं। और जब बिल्ली उनको स्थानांतरित करना चाहती है तब उन्हें अपने मुंह में दबा कर ले जाती है। ज्ञानी और कर्मशील साधक बंदर के बच्चों के समान स्वावलंबी हैं। वे अपने पुरुषार्थ द्वारा ईश्वर लाभ करने की चेष्टा किया करते हैं और भक्तजन हर चरणों में आत्मसमर्पण करके बिल्ली के बच्चों की तरह निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं। एक मनुष्य किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का मामा, किसी का दामाद और किसी का ससुर होता है। देखो, यह एक मनुष्य होने पर भी संबंध भेद से उसके अनेक भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार एक सच्चिदानंद को भक्तगण शांत, दास्य, वात्सल्य, मधुर, प्रभृति नाना भावों से उपासना किया करते हैं। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही लाभ होता है, अर्थात जो उन्हें चाहता है वो उन्हें पाता है, और जो उन्हें न चाहकर उनके ऐश्वर्य की कामना करते हैं वह उसे ही पाता है। भक्त की व ज्ञानियों की महिमा संसार में प्रकट हो जाने पर उनका रहना कठिन हो जाता है। लोगों के झुंड आकर उनको घेरते हैं। जैसे हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के, और इसी प्रकार अनेक समय साधक लोग अपने मन के भाव को छिपाकर अन्य ही प्रकार का भाव प्रदर्शित किया करते हैं। तो दोस्तों, ये था शीर्षक साधकों की भिन्नता, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का सदुपदेश।